वेलकम टू पी एजुकुल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आइए चलते हैं अब मैथमेटिकल लॉजिक का द नेक्स्ट कनेक्टर वी विल सी, दैट इज़ अ निगेशन। निगेशन मतलब क्या है? उल्टा स्टेटमेंट, अपोजिट स्टेटमेंट। सो डिनायल ऑफ एन असर्शन कंटेंड इन अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड इट्स निगेशन। अभी असर्टिव सेंटेंस मीन्स व्हाट? पॉजिटिव स्टेटमेंट विच आर शोइंग द पॉजिटिव पॉइंट इन द स्टेटमेंट। Denial means what? उसका exactly opposite. Negation is very simple part of this mathematical logic chapter. So the negation of a statement is generally formed by inserting the word not at some proper place in the statement or by prefixing the statement with it is not the case that, it is false that, it is not true that. सो सिंपली आई वुड लाइक टू से दैट निगेशन हाउ डू वी रिप्रेजेंट? कोई किसी भी चीज़ में हम अपोजिशन कैसे दिखाते हैं? वी यूज़ द निगेटिव वर्ड्स फॉर दैट। सो मैथमेटिकल लॉजिक में निगेटिव वर्ड्स क्या होंगे? नॉट, इट इज़ नॉट ट्रू, और इट इज़ फॉल्स, और इट इज़ नॉट इन दैट केस। सो दीज फ्रेम्स वी आर यूजिंग फॉर टू शो द निगेशन, फॉर टू शो द अपोजिट। सो लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल्स। द 2 is an even number. Now this is true, 2 is an even number. What will be the negation of that? 2 is not an even number. Now some of you must be thinking that why we are not using the opposite words, even ka odd, true ka false, but we are not going to do that. That is in English, okay? Whatever the opposite words we are using for to show the negativity in the statement, that we do in English language as such. मैथ्स में हम क्या करेंगे? नॉट यूज़ करेंगे, या फिर बोलेंगे इट इज़ फॉल्स दैट। सो हाउ वी विल फ्रेम द सेंटेंस? इट इज़ फॉल्स दैट 2 इज़ एन इवन नंबर। सपोज 2 इज़ अ प्राइम नंबर, दिस इज़ अनदर एग्जांपल, 2 इज़ प्राइम नंबर, तो इसका निगेशन क्या होगा? 2 इज़ नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे कि 2 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ द अपोजिट वर्ड्स फॉर इट। And now mathematical logic, in mathematical logic we have seen that these statements can be written in a symbolic form. जैसे कि हमने and एंड और का symbolic form में क्या लिखते हैं ये देखा है, connectives का देखा है, जैसे and or, these are the connectives. How we are writing these connectives in the symbolic form, we have seen in the previous video. ठीक है, तो ये वाले video में हम negation का लिखेंगे। तो negation of a statement is written by using the sign tilt. You have seen the tilt sign on the computer keyboard, ठीक है, और you have seen this is for similarity. In grade 10 we were using the concept of similarity of triangles. तो similarity के लिए हम ये symbol use करते थे, तो वही symbol हमें यहाँ पर negation के लिए use करना है. And how do we read that? Negation of P or not P. अब negation and not, these are also used in the set theory by the concept of complement. कॉम्प्लीमेंट ये वर्ड इंग्लिश में अलग हिसाब से लेके जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट हम अप्रिसिएशन के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट। ठीक है, तो पहले वाला एग्जांपल हम देखेंगे फिर से। लेट पी, 2 इज़ एन इवन नंबर। अब इसका निगेशन कैसे होगा? 2 इज़ नॉट एन इवन नंबर, इट इज़ नॉट द केस दैट 2 इज़ एन इवन नंबर, एंड इट इज़ फॉल्स दैट 2 इज़ एन इवन नंबर। सो दीज थ्री वेज वी कैन राइट द स्टेटमेंट विद द निगेशन। और निगेशन का टेबल तो बहुत ही आसान है, बिकॉज वी हैव ओनली ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज। ट्रूथ वैल्यूज आर ओनली ट्रू एंड फॉल्स। इफ वी कैन नॉट असाइन द ट्रूथ वैल्यूज फॉर एनी स्टेटमेंट, दे आर नॉट द स्टेटमेंट्स, दे आर सेंटेंसेस। ओके, मेरे पहले वाले वीडियो में आपने ओपन सेंटेंस, स्टेटमेंट, पहले वाले वीडियो में आपने ये सब देखा है, तो थोड़ा सा रिविजन करने के लिए आप बार बार ये वीडियोज़ भी देख सकते हैं। कुछ इजी ट्रिक्स सीखने के लिए बी विथ पी एजुकुल डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सारे सब्जेक्ट्स के बहुत आसान तरीके से सीख जाओगे, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, मैथ्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड एसपी, ये सारे सब्जेक्ट का आप आसानी से आपकी पढ़ाई हो जाएगी। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 कर लेते हैं अभी। इट्स वेरी सिंपल, एज वी हैव टू जस्ट राइट द निगेशन ऑफ इट। ओके, तो यू ऑल have to solve with me so that your notebooks will be completed. Okay, so we will write the answers. So what is the first statement? Just see, write the negation of each of the following statement. Ab ye statement ke negation hame likhne hain, to maine pehle hi bola ke we are not going to use the words, opposite words.
तो ये स्टेटमेंट थोड़ा ऐसे नहीं होगा, ऑल मेन आर एनिमल्स सो वी आर सेइंग दैट ऑल मेन्स आर ह्यूमन बींग्स, ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं करना है. वी आर डूइंग दिस इन मैथ्स जहाँ पे हमें लॉजिक यूज़ करना है, और निगेशन में मैंने अभी क्या बोला, नॉट यूज़ करेंगे हम, ठीक है. तो ये कैसे स्टेटमेंट होगा, ऑल मेन का अपोजिट क्या होगा अभी, सम मेन, ठीक है. तो लिखेंगे सम मेन आर नॉट एनिमल्स. तो आइए लिखते हैं सम मेन आर नॉट एनिमल्स. Now the next statement is minus 3 is a natural number. Now all of you know that natural number set starts from 1, 2 and there are infinite number of natural numbers. And all natural numbers are positive. Correct? All numbers are positive. And that's why this minus 3 is not a natural number, first of all. So when we talk about the truth value, this will be false statement. अब यहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स करना ही नहीं है, यहाँ पे हमें इसका निगेशन लिखना है. तो व्हाट वी विल राइट द निगेशन ऑफ दिस, माइनस थ्री इज नॉट नेचुरल नंबर, दैट्स इट, उतना ही लिखना है. तो ये लिखेंगे माइनस थ्री नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है. अगला वाला स्टेटमेंट, अब ये निगेशन वाला दिया है, इसका निगेशन ही दिया है पहले से. देखो क्या दिया है, इट इज़ अ फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, राइट. द ट्रूथ वैल्यू इज एफ ओनली. सो हाउ वी विल मेक द चेंजेस ओवर हियर, नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, इसका निगेशन लिखना है. तो इट इज फॉल्स दैट वी विल रिमूव फ्रॉम द स्टेटमेंट. तो कैसे लिखेंगे, नागपुर is capital of Maharashtra. Negation मतलब exactly opposite लिखना है. अब यहाँ पे क्या दिया, देखो 2 plus 3 is not equal to 5. तो not equal to का क्या करेंगे, equal to करेंगे, बहुत ही simple है ये. So we will write this statement as 2 plus 3 is equal to 5. So this is how we have seen how we can write the negation of the following statements. अब अगला question कर देते हैं, write the truth value of the negation of each of the following statement. तो ये एक question में दो questions हैं, पहले हमें क्या करना है, इसका negation लिखना है और फिर उसकी truth value लिखनी है, ठीक है. तो पहले हम इसका negation लिखते हैं, let, अब मैं ये लिखूँगी let P is my given statement. Root 5 is an irrational number. Okay. अब negation P क्या होगा? Root 5 is not an irrational number. ठीक है, रूट फाइव इज नॉट एन इरेशनल नंबर. एंड देन निगेशन पी का वैल्यू क्या होगा, ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन पी विल बी एफ. तो मैं लिखूंगी यहां पे ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन पी इज एफ. ठीक है, रूट फाइव इज इरेशनल नंबर, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. तो इसका निगेशन क्या होगा, एफ होगा. ठीक है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, इतना ही आसान है. पर ये हमें क्या करना है, उसका निगेशन लिख के फिर उसका ट्रूथ वैल्यू लिखना है. तो आइए चलते हैं दूसरा वाला स्टेटमेंट कर देती हूँ मैं, लेट, अभी मैं क्यू लिखूंगी, क्यू, लंडन इज इन इंग्लैंड. लंडन इज इन इंग्लैंड, अभी इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी है, दिस इज करेक्ट, करेक्ट. अब इसका निगेशन लिखेंगे, लंडन इज नॉट इन इंग्लैंड,
इसका निगेशन क्या होगा? लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड. और फिर इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? ये हो गया फॉल्स. अब मैं लिखूंगी ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन क्यू इज एफ. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट कर देते हैं. फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन, एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक्स प्लस थ्री इज लेस देन एट. ठीक है, x प्लस थ्री इज लेस देन एट. तो आइए चलते हैं इसको थोड़ा समझ के लेते हैं. फॉर एवरी x दिया है, ठीक है, एंड वॉट इट इज टोल्ड x बिलोंग्स टू n. सो वॉट ऑल वैल्यूज x कैन टेक? x विल बी नथिंग बट 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट वैल्यूज. सो इफ आई टेक x इज इक्वल टू, ये कब तक सही होगा? टिल 4. बिकॉज जस्ट सी, 1 plus 3, I'll write it here for us understanding. 1 plus 3, which is 4, less than 8. So for 1 it is 2. 2 plus 3, which is 5. 5 is less than 8. So for 2 also it is correct. 3 plus 4, ठीक है, 3 plus 3 चाहिए था, तो ठीक है, मैं ये थोड़ा उल्टा कर देती हूँ. 3 plus 4, 7 is also less than. So this is true for this. And the next is 3 plus 3. Less than 8. This is also true. 6 is less than 8. So this statement is true up till 4 only. If I take x is equal to 5, what I will get it? 5 plus 3, which is 8. 8 is not less than 8. This is not true. So this is not true after 5. Okay. So this statement is false statement. Ab iska negation likhna hai. So that will be true. To pehle kya likhenge hum? Let r is equal to, for every x belongs to n, x plus 3 less than 8. Okay, this is my statement. अब ये तो false ही है, तो इसका negation r क्या होगा? F. तो मैं क्या लिखूंगी इधर? Truth value of r is, ट्रूथ वैल्यू ऑफ आर इज टी. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द कंसेप्ट ऑफ निगेशन. थैंक यू फॉर बीइंग विथ पीएचयू गोल्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म. आपको कोई भी कंसेप्ट में अगर डाउट है तो आप हमें मेल भेज सकते हैं, जहाँ पे ये स्क्रोलिंग हो रहा है वहाँ पे आपको मेल एड्रेस मिल जाएगा. यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड यू कैन कॉल अस ऑन द गिवन नंबर्स. थैंक यू.